हेलो एंड वेलकम ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कोर्ट ने यूपी ट्रिपल एससी से क्या कहा, यूपी ट्रिपल एससी ने कोर्ट में क्या जवाब दिया, इन सारी बातों को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो भी बातें अभी तक चली आ रही थी या जो आंदोलन अभी भी चल रहा है, इसका जो अहम मुद्दा रहा है, जो यूपी ट्रिपल एससी ने सभी कैटेगरी के लिए कॉमन कटअप जारी कर दिया है, महिलाओं का सबसे ज़्यादा कटअप रखा है, तो इन ये सारी चीज़ें गलत हुई हैं, ये कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं और कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है। कल के दिन यानी कि 18 तारीख को जब विकलांगों की सुनवाई हुई थी, उनके तहत ये मुद्दा कोर्ट में रखा गया था। उनके तरफ से जो वकील हैं उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे बात किया था। सबसे पहला पॉइंट जो है ये पूछा गया था कि आप सभी कैटेगरी के लिए कॉमन कट ऑफ कैसे जारी कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट रखा गया था, जिनका सीट नहीं है उनका भी कट ऑफ आप जारी कैसे कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट रखा गया था वो था कि महिलाओं के लिए इतने ज़्यादा कट ऑफ आप कैसे रख सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स जब वकीलों की तरफ से रखा गया तो जो आयोग के वकील थे, आयोग की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी जवाब नहीं दिया गया। तब जाके जो वकील हैं आयोग की तरफ से, उन्होंने कोर्ट से समय मांगा है, 23 तारीख का। तो जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग है वो 23 तारीख को होनी है। जो भी डिसीजंस होंगे आयोग की तरफ से, जो भी जवाब दिया जाएगा उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो जो भी अभी इसका फाइनल डिसीजन है वो हमें 23 तारीख को मालूम चलेगा क्या होने वाला है। ज़्यादा लंबा ये केस नहीं जाएगा, इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। और जो दूसरा मुद्दा है कि जो 19 जून को लेखपाल का एग्ज़ाम होना है, अभी भी बच्चे ये असमंजस में है कि इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो लास्ट फी सबमिशन डेट है वो 19 तारीख को रखा गया है। एडमिट कार्ड जारी होने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है, तो ये आप मान के चलिए कि एक हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है वो 19 तारीख को नहीं होना है, एक हफ्ते का समय तो कम से कम लग ही जाएगा। तो 22 नहीं तो 25 तक एग्ज़ाम इसका हो जाएगा, उससे पहले कोई चांस नहीं है एग्ज़ाम होने का। और जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं वो अपने तैयारी में आप लगे रहिए, एकदम आप तैयार रहिए इस एग्ज़ाम में, ताकि आपका इन सब चक्करों में जो आंदोलन हो रहा है इस चक्कर में ऐसा ना कहीं ना हो कि आप लेखपाल में सेलेक्ट होने से रह जाएं। तो इन चीज़ों पे आपको एकदम ध्यान नहीं देना, आपको तैयार रहना है। जो आप फालतू कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में, इन चीज़ों को आप छोड़ दें कमेंट करना। जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको गालियाँ देना आप छोड़ दें, इन सारी चीज़ों को आपको नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो 23 तारीख का इंतज़ार करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कट ऑफ कम होना तय है। कट ऑफ तो कम होगा ही होगा, क्योंकि ये गलत हुआ है, ये कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है और जवाब मांगा है। तो आयोग जो जवाब देगा उसके ऊपर कोर्ट जो है अपना डिसीजन सुनाएगा। तो और 23 तारीख ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, ज़्यादा लंबा ये केस चलेगा नहीं, जल्द ही ख़त्म होगा। तो अपनी तैयारी आप लोग भी चालू कर दीजिए और जो डिसीजंस होंगे 23 तारीख को उसके बाद से अपनी तैयारी आप जिस तरीके से जोरों शोरों से आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।